जय हिंद साथियों, आज हम अपने नए टॉपिक जो हम अभी तक हमारा चल रहा था मूल विधि, वो आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 की लिखित परीक्षा के संबंध में, मूल विधि के संबंध में हम लोग अभी तक बातें कर रहे थे। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध के संबंध में अभी तक हम चर्चा कर रहे थे। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध के संबंध में, जिसमें हमने देखा बलवा के बारे में और बलवा के दंड, घातक हथियार से सुसज्जित होकर जो बलवा होता है उसके बारे में हमने चर्चाएं की, विधि विरुद्ध समूह के बारे में हमने चर्चा की, और हमने अपने अंतिम लेक्चर में बात किया था धारा 146 आईपीसी के संबंध में, आईपीसी भारतीय दंड संहिता। धारा 146 के संबंध में हमने चर्चा की थी बलवा, और 147 के संबंध में, धारा 147 क्या है आईपीसी, 147 है बलवा करने के लिए दंड, और इसी संबंध में एक हमने अपनी 147, 148 और 149 आईपीसी के बारे में पढ़ा था कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह है, यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह है जिसे विधि विरुद्ध समूह घोषित किया जा चुका है, और ऐसे विधि विरुद्ध समूहों द्वारा अपने समान आशय को अग्रसर करने के लिए कोई कार्य किया जाता है, फिर से सुनिए कि यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के किसी विधि विरुद्ध समूह के सदस्यों द्वारा अपने किसी समान आशय को अग्रसर करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है। आईपीसी 149 क्या है, समान आशय को अग्रसर करने के लिए समान आशय को अग्रसर करने के लिए बलवा। यदि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा जिसे विधि विरुद्ध समूह घोषित किया जा चुका है, उनके द्वारा अपने किसी समान आशय को अग्रसर करने के लिए बल अथवा हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसा समझा जाएगा कि यदि समूह के किसी एक ही सदस्य ने बल अथवा हिंसा का प्रयोग किया है, तो यह माना जाएगा कि समूह के सारे सदस्य ने वो काम किया है, भले ही किसी एक सदस्य द्वारा
ऐसी कोई घटनाएं कारित की गई हो। अर्थात यदि मान लीजिए पांच से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह है, जैसे मान लीजिए किसी समूह में 20 लोग हैं, और उन 20 लोगों के समूह द्वारा अपने किसी समान आशय को अग्रसर करने के लिए बल अथवा हिंसा का सहारा लिया जाता है, और बल अथवा हिंसा का सहारा किसी एक ही व्यक्ति द्वारा या दो ही व्यक्ति द्वारा लिया जाता है, 20 लोगों के समूह से भले ही एक ही दो व्यक्ति जो है वो बल अथवा हिंसा का सहारा समान आशय को अग्रसर करने के लिए करते हैं, तो ऐसा समझा जाएगा कि उस समूह के सारे सदस्य जो है उन्होंने बल अथवा हिंसा का सहारा लिया और उनके द्वारा बलवा किया गया। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर भारतीय दंड विधान की धारा 149 के उपबंध लागू होंगे, और माना जाएगा कि भले ही समूह के किसी भी एक ही सदस्य ने बल अथवा हिंसा का सहारा लिया हो, लेकिन समान आशय को अग्रसर करने के लिए समूह के सारे लोग भारतीय दंड विधान की धारा 149 के तहत दोषी होंगे, और इसी धारा के तहत उनको दोषी करार देकर उन्हें न्यायालय द्वारा सजा दिया जाएगा। तथा भारतीय दंड विधान की 149 धारा के उपबंध उन पर लागू होंगे। ये बात हुई बलवा के संबंध में। अब एक और चीजें जो प्रायः सुनने को मिलती हैं, आइए उसके बारे में भी हम देखते हैं, वह है दंगा। क्या दंगा? दंगा साथियों, दंगा क्या है इसको समझते हैं। दंगा किसी सार्वजनिक स्थान पर, किसी सार्वजनिक स्थान पर लोक शांति को भंग करने के लिए जो किया गया कार्य हो, या किसी सार्वजनिक स्थान पर किया गया ऐसा कार्य जिससे लोक शांति भंग होती है, तो ऐसा कार्य, ऐसे कार्य को कहा जाएगा दंगा। और भारतीय दंड विधान की धारा 159 दंगा से संबंधित है। भारतीय दंड विधान की धारा 159 दंगा से संबंधित है, और यह है, इसकी परिभाषा है, किसी लोक स्थान या सार्वजनिक स्थान, किसी लोक स्थान या सार्वजनिक स्थान पर किया गया ऐसा कार्य जिससे लोक शांति भंग हो, इसको समझने का प्रयास करेंगे। किसी लोक स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान पर किया गया ऐसा कार्य जिससे लोक शांति भंग हो, उसे क्या कहते हैं? दंगा। इसमें कुछ
कंडीशन है दंगा के लिए, और वो ये है कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति होते हैं और अधिक से अधिक अधिक चार व्यक्ति हो सकते हैं। ये बातें हुई दंगा के संबंध में कि दंगा में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं और अधिक से अधिक चार व्यक्ति। और एक और कंडीशन है कि दंगा किसी सार्वजनिक स्थान पर होता है, दंगा किसी सार्वजनिक स्थान पर होता है। इसकी परिभाषा में यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लोक स्थान या सार्वजनिक स्थान। तो दंगा के लिए एक पहली कंडीशन क्या है कि सार्वजनिक स्थान हो, दूसरा कम से कम दो व्यक्ति इसमें होते हैं और अधिक से अधिक चार व्यक्ति दंगा में होते हैं। तो कम से कम दो व्यक्ति और अधिक से अधिक चार व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर किया गया ऐसा कार्य जिससे लोक शांति भंग हो, तो ऐसा कार्य इसको क्या कहा जाएगा, दंगा। तो दंगा की जो परिभाषा है वह भारतीय दंड विधान की धारा 159 में है। ये सवाल प्रायः परीक्षाओं में आ जाता है कि अपराध की परिभाषा किस धारा में है और अपराध का दंड किस धारा में है। किसी किसी धारा में परिभाषा और दंड दोनों रहती है और किसी किसी धारा में परिभाषा अलग धारा में रहती है और दंड अलग धारा में। तो हमने भारतीय दंड विधान की धारा 159 में देखा दंगा क्या है और दंगा की परिभाषा क्या है और दंगा के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। और भारतीय दंड विधान की जो अगली धारा है 160, यह दंगा के लिए दंड से संबंधित है। भारतीय दंड विधान की धारा 160 दंगा के लिए दंड से संबंधित है। 159 में आपने देखा आईपीसी 159 में, जिसमें दंगा की परिभाषा दी गई है और दंगा की कंडीशंस बताई गई है। और भारतीय दंड विधान की धारा 160 में दंगा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि जो कोई किताब की जो भाषा है या सामान्यतया जो समझने वाली बात है कि जो भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जिसमें कम से कम दो व्यक्ति और अधिक से अधिक चार व्यक्ति शामिल होते हैं, सार्वजनिक स्थान पर ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे लोक शांति भंग हो, तो उनके द्वारा किया गया जो कार्य है वह दंगा कहा जाएगा। और दंगा को 159 धारा में परिभाषित किया गया है और दंगा के लिए जो दंड का प्रावधान है वह भारतीय दंड विधान की धारा 160 में किया गया है। एक चर्चा कर लेते हैं दंगा और बलवा की, कि दंगा और बलवा में अंतर क्या है। एक तरफ कर दिए बलवा,
और एक तरफ कर दिए दंगा, और इसको दो पार्ट में बोर्ड को बांट दिए, एक तरफ कर दिए बलवा और एक तरफ कर दिए दंगा। हमने चर्चा की थी कि जो बलवा है उसको 146 आईपीसी में परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है 146 आईपीसी में बलवा को, और दंगा को परिभाषित किया गया है 159 आईपीसी में। बलवा के लिए जो दंड है वह 147 आईपीसी में है, जबकि दंगा के लिए जो दंड का प्रावधान है वह 160 आईपीसी में किया गया है। बलवा कहीं भी हो सकता है, चाहे वो सार्वजनिक स्थान हो अथवा किसी भी तरीके का कोई स्थान हो। तो बलवा के लिए जगह कौन सी हो सकती है? कहीं भी, या जगह के बदले इसको स्थान लिख सकते हैं, अब्लिक स्थान। बलवा के लिए जो जगह या स्थान है वह कहीं भी बलवा हो सकता है, जबकि दंगा के लिए जो सार्वजनिक स्थान है, दंगा के लिए जो स्थान है कि दंगा कहां, दंगा के लिए कंडीशंस क्या है, वह है सार्वजनिक स्थान। क्या है? सार्वजनिक स्थान। और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या कि बलवा में कितने व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों की संख्या। साथियों, बलवा में जो व्यक्तियों की संख्या है वह कम से कम 5 व्यक्ति और अधिक से अधिक कितने भी, मतलब चाहे जितने। बलवा में जो व्यक्तियों की संख्या है वह कम से कम 5, और दंगा में जो व्यक्तियों की संख्या है वह कम से कम 2। बलवा में जो व्यक्तियों की अधिक से अधिक संख्या है वह है कितने भी, कितने भी चाहे जितने, जबकि दंगा में जो अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या है, अधिक से अधिक व्यक्ति कितने हो सकते हैं? 4।
तो ये साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो बोर्ड पर लिखी गई है दंगा और बलवा के संबंध में, और इसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बलवा को परिभाषित किया गया है भारतीय दंड विधान की धारा 146 में, जबकि दंगा को परिभाषित किया गया है भारतीय दंड विधान की धारा 159 में। बलवा का जो दंड है वह भारतीय दंड विधान की धारा 147 आईपीसी में है, जबकि दंगा के लिए जो दंड है वह भारतीय दंड विधान की धारा 160 आईपीसी में है। और दंगा कहां हो सकता है, दंगा के लिए जगह अथवा स्थान क्या है? दंगा किसी सार्वजनिक स्थान पर होता है, दंगा किसी सार्वजनिक स्थान पर होता है, जबकि बलवा कहीं भी हो सकता है, बलवा कहीं भी हो सकता है। बलवा के लिए जो व्यक्तियों की संख्या है, बलवा के लिए जो व्यक्तियों की संख्या है वह कम से कम 5 है, कम से कम 5 है, जबकि जो दंगा के लिए व्यक्तियों की संख्या है वह कम से कम 2 है। और बलवा के लिए जो अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या है वह बलवा में चाहे जितने व्यक्ति हो सकते हैं, अनगिनत अधिक से अधिक व्यक्तियों में चाहे जितने भी, जबकि दंगा में जो अधिक से अधिक व्यक्तियों की संख्या है वह है 4। मतलब दंगा में कम से कम 2 व्यक्ति हो सकते हैं और बलवा में कम से कम 5 व्यक्ति हो सकते हैं। दंगा में जो अधिक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं वह 4 व्यक्ति हो सकते हैं, जबकि बलवा में अधिक से अधिक व्यक्ति वो 5 हो सकते हैं। दंगा किसी सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है, जबकि बलवा कहीं भी हो सकता है, बलवा के लिए यह कंडीशन है कि बलवा कहीं भी हो सकता है। ये बातें हैं दंगा और बलवा के संबंध में कि दंगा क्या है और बलवा क्या है। दोनों की धाराएं अलग हैं और दोनों की धाराओं के दंड अलग अलग हैं, दोनों अपराधों के दंड अलग अलग धारा में हैं। 146 आईपीसी में बलवा को परिभाषित किया गया है, 147 आईपीसी में बलवा का दंड है, 159 आईपीसी में दंगा को परिभाषित किया गया है और 160 आईपीसी में दंगा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ये बातें हो गई दंगा और बलवा के संबंध में। साथियों ये जो विषय है सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध में दंगा और बलवा, ये हमारी आगामी लिखित परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से पिछली बार भी लिखित परीक्षा में 2016 की जो लिखित परीक्षा थी उप निरीक्षक भर्ती 2016 की, जिसमें मैं अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित हुआ था, उस परीक्षा में चूंकि ऑनलाइन परीक्षा हुई थी अलग अलग तारीखों में और अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, एक एक दिन में 3-3 शिफ्ट में परीक्षाएं होती थी, तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आते थे दंगा और बलवा से। तो यदि आप ये एक छोटा सा चार्ट बनाए हैं दंगा और बलवा का, तो दंगा अथवा बलवा से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे इनका उत्तर आप बड़ी ही सहजता से दे देंगे, क्योंकि दंगा और बलवा में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है और ना ही आएगा, क्योंकि दंगा और बलवा बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, इनसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं और हमेशा आएंगे भी। तो ये चीजें आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही उपयोगी हैं परीक्षा के
दृष्टिकोण से। ये बातें दंगा और बलवा के संबंध में आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, और अगर कोई बातें दंगा अथवा बलवा के संबंध में आपको समझ में ना आई हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या साउंड से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, आवाज से संबंधित अथवा लिखावट से संबंधित, तो भी आप बता सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे परीक्षा को लेकर, मूल विधि को लेकर, उसका जो है जवाब मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको दूंगा। तब तक साथियों आप अपनी तैयारी जारी रखें परीक्षा के लिए, और हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में मूल विधि के। तब तक साथियों नमस्कार, जय हिंद।